मोदी जी पर जी बनाए हैं। अरे देशवा के कैलन निहाले भैया, देशवा के कैले निहाल। अरे गरीब सबके काम खातिर तत्पर उतरले, हमनी के दारी बात का बचू न कैले। हमनी में गरीबवन के चाउर आटा दिहले, उ त खैले बार खूब के जवान। ए बाबा कबहू न बानी है माँ। अरे बाप के कमाई पर बेटा काटे राज, एकरा लाज नहीं खे। हो बाप के कमाई पर बेटा काटे राज, एकरा लाज नहीं खे। ई लोग बनेलन चौकीदार, इनका लाज नहीं खे। ई लोग बनेलन चौकीदार, इनका लाज नहीं खे। अपने न करता एको गो कमाई, साँचे बतिया कहला पर लाठी ई चलवाई। अरे घर के अनाज बेचलन, घर के अनार व चावल बेचलन, अरे को देलन बेहाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार एनी टाइम। अभी हम आ गए हैं मणिकपुर से, जो पारू की मुख्य सड़क है उसके किनारे। ये सरैया प्रखंड का क्षेत्र है पारू विधानसभा, जहां हम देख रहे हैं सामुदायिक शौचालय बना हुआ है और सड़क के ठीक किनारे यहां करीब दर्जनों गरीब लोग आकर के अपना ठंड गुजार रहे हैं। किसी तरीके से झोपड़ी में प्लास्टिक और कपड़े सारी बिछावन वगैरह को लेकर के ठंड से, जो हार कपाती हुई ठंड है, चिलचिलाती ठंड है, उसमें अपना गुजर कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। गंदगियों का भी भरमार है हर जगह। यहाँ शौचालय तो है लेकिन शौचालय चालू हालत में नहीं है। एक चापाकल है, वो चापाकल भी बंद पड़ा हुआ है। वहाँ चापाकल का कोई नामो निशान तक नहीं है, कोई चोरी करके ले गया ऐसा ये बता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी जल के अभाव में जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है। साफ सफाई के अभाव में ठंड से अपने आप को बचा रही हैं। यहाँ गोदी में बच्चा देख रहे हैं आप, कुछ पुरुष हैं, पालतू पशु भी हैं, मवेशी, कुत्ते, बकरियाँ, भैंसी, भैंसा और बत्तख वगैरह भी ये लोग पाले हुए हैं। कहाँ से ये लोग आए हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबके घर के ऊपर एक खास बात है कि कमल के निशान वाली भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहरा रहे हैं। यहाँ पचासों परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग झोपड़ी जैसे पॉलिथीन के कपड़े के आसियाना बना करके गुजर बसर कर रहे हैं। इस ठंड को, पूस की रात को चुनौती दे रहे हैं जनवरी के इस सर्द भले माहौल में, जहां पूरा बिहार का सब चीज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सारे बंद हैं और लोग, युवक भी बाहर निकालने की इस शीतलहर में हिम्मत कर रहे हैं। ऐसे में ये बच्चे, ये बूढ़े, ये महिलाएं, सब के सब नंग धड़ंग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात है कि सबके घर के ऊपर आप देख रहे हैं बीजेपी का कमल फूल निशान वाला पताका, झंडा फहरा रहा है, लहलहा रहा है। ये साबित क्या करता है, ये सोचने को मजबूर करता है कि सत्ताधारी दल का प्रभाव तो है इनके ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो है इनके ऊपर। कहां से ये झंडे आए, कैसे आए और इनको क्या सुविधा मिल रही है, किस तरह के हालात से ये गुजर रहे हैं, कैसे ये जीवन वाचन कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। कैसे आए और कितने दिन से ये लोग यहाँ पर हैं और क्या स्थिति है, कुछ आप अपना नाम बताइए और बताइए। सर, हमको नाम है जीतन जी। हम लोग यहाँ पर 50-60 साल से हैं। अच्छा, 50-60 साल से यहाँ हैं। हाँ हाँ, हम लोग के बाबा दादा के यहीं पर जिंदगी बीत गया। अच्छा, मगर हम लोग के सही है, घर ना द्वार है, गरीब परिवार के लोग आदमी है, जैसे अपन भीख टुकड़ा सर मांग कर हम लोग खाते हैं, हम लोग के तो यही है। तो क्या वोटर लिस्ट में आप लोगों का नाम है? सब चीज है, वोटर लिस्ट में नाम है, पहचान पत्र है, सब दाता पहचान पत्र है, सब चीज है। कोई एक पहचान पत्र आप लोग दिखाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम है तो वोट आप लोग गिराते हैं? कहाँ बूथ कहाँ है आपका, वोट कहाँ गिरता है? हम लोग का वोट यहीं पर गिरता है, मणिकपुर। मणिकपुर, मणिकपुर में आप वोट गिराते हैं? हमेशा आपसे कई बार वोट डाल चुके हैं। हाँ,
लेकिन कहीं पर जमीन नहीं है आपने? नहीं है सरकार हम लोग की जमीन। तो कोई किसी को आपने सूचना दिया, आवेदन किया जमीन के लिए, मांग किया कभी आप लोगों ने? कहाँ कोई लोग किया है? हम लोग का जमीन नहीं दिया कोई लोग, हम लोग वोट वोट दिए हैं। ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे किसी स्कूल में भी पढ़ते हैं? नाम है किसी स्कूल में? नहीं, किसी को स्वयं नहीं पढ़ता है। सरकार की तरफ से फ्री में शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, तो आप लोग स्कूल में क्यों नहीं नाम लिखवाते बच्चों का, क्यों नहीं पढ़ने के लिए? सब पढ़ने के नहीं चाहते हैं तो क्यों पढ़ लिखवा ले? हम पढ़ना चाहते हैं नहीं लिख, पढ़ना चाहते हैं तो क्यों? सरकार की योजना चल रही है तो आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्यों नहीं लाभ उठाना चाहते हैं? आखिर अपनी स्थिति को सुधारना क्यों नहीं चाहते हैं? तो ये लोग अपन नहीं सब पढ़ने जाता है, सब इधर उधर बौआते हैं। आप क्यों नहीं पढ़े? आप तो बड़े हो गए, आप तो आपके जैसे बच्चे आठवां नौवां में पढ़ता है, दसवां में पढ़ता है, आप क्यों नहीं अपना नाम लिखा है? हम लोग का तो लूरी नहीं हो। हर दिन करते क्या है आप? नहीं कुछ हो। कुछ नहीं करते हैं? शिकार भी नहीं करते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, वही घास भूसा करते हैं, माल चुहा रखे हुए, बकरी पठरू रखे हुए हैं। तो जब आपको खेत नहीं है, जमीन नहीं, तो कहाँ घास भूसा करते हैं? अब कोनो कोनो बाबू दादा है, उन लोग से क्या करते हैं, आते हैं दुख धनिया सहकर। तो कुछ कुछ आप बताइए, अपना नाम बताइए और क्या कष्ट से आप कैसे इस घर में कैसे ठंड को झेलते हैं, कुछ बताइए। कोची हम लोग ठंडा तो देख रहे हैं कि कैसे ठंडा कट रहा है, बाल बच्चा लेके। क्या नाम है आपका? हम लोग के पूजा। पूजा, तो ये बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजते हैं आप? है? आंगनबाड़ी केंद्र चलता है कुछ मालूम है? बच्चों को खाना पीना पढ़ाने के लिए साफ सफाई कपड़ा लत्ता सब सरकार की तरफ से दी जाती है, आप लोगों को मिलता है इसका कोई ना? नाम बताइए और इन लोगों की जो समस्या है क्या ये बता रहे थे, इस पर क्या हो सकता है कुछ बताइए। मेरा नाम श्री महेश्वर पासवान, सरैया मणिपुर, जिला मुजफ्फरपुर से मैं बोल रहा हूँ और मैं पूर्व पंचायत समिति हूँ। ये लोग बहुत दिनों से यहाँ मैंने बसर गुजर कर रहे हैं लोग, और इन लोगों के सरकारी लाभ मात्र वोटर लिस्ट में नाम है और इन लोगों का जो है सो आधार कार्ड है, लेकिन सरकारी सुविधा यहाँ का है कि सर वोटर लिस्ट में नाम भी है, वोट भी गिराते हैं। जी, जी जी जी, आप जानते भी हैं पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते, फिर भी और सुविधाएं इनको नहीं मिल, नहीं मिल रहा, जबकि सरकार कह रही है कि पढ़ाई फ्री में, दवाई फ्री में, रहने के लिए घर बनाने के लिए आवास फ्री में, जल फ्री में, शादी करने के लिए पैसा, मरने के बाद अंत्येष्टि कफन के लिए पैसा, हर योजना का पैसा, लेकिन इन लोगों को ये सब चीज नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलता है, क्या कारण हो सकता है? समिति जी, पूर्व समिति जी बताइए। सर यही है जो इन लोगों का अस्थायी कहे के आवास मैंने रहने के लिए कहे के जगह नहीं है। तो इन लोगों का आवेदन प्रखंड कार्यालय को, प्रखंड प्रशासन को दिया गया कभी? आप अपने काल में भी कभी प्रयास किए? जी जी, किया जा रहा है, लेकिन अंचल अधिकारी जो है सर कह के निष्क्रिय हो जाते हैं, इसी के कारण जो इन लोगों का सरकारी सुविधा से वंचित है। इन लोगों की ऐसे कितने लोगों की समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या करी को वही 40-50 आदमी की समस्या, 40-50 व्यक्ति, कितने परिवार है? 40-50 परिवार? हाँ हाँ, मिला करके सर ये है। तो इतनी बड़ी समस्या है और 40-50 वर्षों से ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोग रहते हैं आसपास के क्षेत्र में, तो 40-50 वर्षों से इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया? जी नहीं, नहीं हो पाया। सीओ साहब आते गए, जाते गए, प्रतिनिधि बनते गए, जीते हारे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। जी नहीं, अस्थायी ठिकाना नहीं। और बड़े बड़े नेता जी आते हैं, हजारों की सभा करते हैं, कहते हैं कि सरकार हमारी इतनी काम कर रही है, सबके घर के ऊपर में झंडे भी लगे हुए है, ये साबित करता है कि ये सब चीज सरकार के प्रति समर्पित है, भारतीय नागरिक है, आपने कहा आधार भी बना हुआ है, लेकिन ये निराधार भटक रहे हैं। और इस ठंड की लहरों में भी, हार कपकपाती सर्द में भी, ऐसे ही सैकड़ों परिवार के बच्चों और महिलाओं का भविष्य बड़ा ही दुखदाई है, बड़ा ही चिंतनीय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समस्या पर? आप अपना परिचय देते हुए, नाम बताते हुए कुछ बताइए। मेरा जितेंद्र पासवान नाम है जी, मेरा घर मणिकपुर पड़ता है जी, हम लोग नगर पंचायत में अभी हो गए हैं जी। और ये क्या ना, हाँ इन्हीं लोग, इन लोग के बहुत दिकदारी है, बहुत बहुत तकलीफ है, बहुत बच्चे लोग देखिए उघाड़े पुघाड़े सब लोग घूमता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई लोग देता है नहीं, दिया अभी तक कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं देता है, ये आप बता रहे हैं। किसी पद पर भी आप हैं? नहीं, हम लोग कोई पद पर नहीं, हम आम नागरिक हैं, आम नागरिक हैं हम लोग। तो आप इनके आवाज के साथ हैं, इनके मांग के साथ हैं? हाँ। किसी साहब को और प्रखंड प्रशासन के साथ, साथ? गरीब है तो इनका मांग के साथ हम रहेंगे ही, साथ ही है, रहना गरीब चाहिए, रहना चाहिए, गरीब है। ये जमीन तो सरकारी जमीन है जी, तो कब से ये लोग अपना आसियाना यहाँ पर, ये टेंट समियाना गिराए? ये तो मणिपुर दरबार के जमीन है, मणिपुर दरबार की जमीन जी जी जी।
तो मणिपुर दरबार तो अपने स्तर से इनको जमीन आवंटन करेगी नहीं? जी नहीं, उन लोगों का खतियानी जमीन है। और सुना है कि मणिपुर दरबार तो अभी नगर पंचायत के अध्यक्ष भी जी 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 अध्यक्ष है, तो नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं आता ये? तो नहीं, पंचायत पंचायत में, पंचायत में जी 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 जी। तो ऐसे में तो सरकार को ही कोई पहल करनी पड़ेगी, सरकार को पहल करनी पड़ेगी। दरबार के लोग उतने उदार तो होंगे नहीं कि इन सारे परिवार को बसाने के लिए जमीन आवंटन कर देंगे, तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। सर, सरकार के द्वारा जो 3 डिसमिल जमीन जो मैंने कहा गया था कि मैं कहे के मतलब 3 डिसमिल जमीन ही लोगों को गुजारा के लिए कहे के देंगे, तो वो सरकार को चाहिए कि 3 डिसमिल जमीन ही लोगों को कहाँ उपलब्ध करा करके इनको बसाया जाए। तो इनकी मांगों के साथ हमारे साथ होंगे, हम अपने चैनल से इनकी समस्या को प्रखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधि तक पहुँचाएंगे, और आप भी इनके साथ हैं। जी सर। है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, चोरी की समस्या भी हो सकती है। आप देख रहे हैं साइकिल कुछ रखे हुए हैं, जलावन कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पर कोई गैस कनेक्शन नहीं है। जैसा कि बड़े नेता जी सब आते हैं तो बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी हरेक महिलाओं का उद्धार कर दिया, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत सबको धुआं से मुक्त कर दिया, धूम्र रहित चूल्हा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कैसे अलाव जला करके किस प्रकार से जलावन पर ये खाना बनाया जा रहा है, ये हालात है। और 50-60 वर्षों से ये लोग यहाँ पर इधर से उधर भटक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, ठंड को भगाने का जुगाड़ कर रहे हैं, और यहाँ पर सैकड़ों परिवार ठंड की इस लहर में चुनौती देते हुए लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं सबके घर के ऊपर में। ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे मजबूत पार्टी का झंडा लहरा रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक तरफ इतनी गरीबी, एक तरफ इतनी समस्या, और एक तरफ इस पार्टी के लोगों का इस प्रकार की घोषणा, और दूसरी तरफ सबके सब योजनाएं धराशायी, कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये दरबार की जमीन पर ये लोग जैसे तैसे नाजायज तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। इनको जायज कागज नहीं है जमीन का, और ये लोग कई बार सरैया के सीओ को भी आवेदन दिए, जैसे कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य ने हमें जानकारी दी। और यहाँ पर महेश्वर पासवान जी बता रहे हैं कि एक सार्वजनिक शौचालय भी जिला जल स्वच्छता समिति मुजफ्फरपुर के द्वारा बासुचक गांव वार्ड संख्या 1 में पूर्व मणिकपुर में ये बना हुआ था, लेकिन ये ध्वस्त है। महिलाएं लिखी हुई अभी भी पेंट किया हुआ है। ये चापाकल का हाल देख लीजिए, चोरी करके ले गया। यहाँ पर जो सैकड़ों परिवार, महिला पुरुष बच्चे सब नंग धंग ये आ रहे हुजूम, इन सारे लोग कहाँ सोच करते हैं? कहते हैं कि निर्मल पंचायत बन गया, निर्मल जिला बन गया, पुरस्कार भी मिल गया, राशियों का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, ये सदुपयोगिता आप देख सकते हैं शौचालयों की। और यहाँ जल की व्यवस्था कैसे है और कैसा है स्वच्छता अभियान का हाल, ये आप देख सकते हैं। और इस तरीके से प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को और यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि किस प्रकार की सुविधा हम दे रहे हैं। ये सभी लोग वोटर हैं। इन लोगों का शिकायत है कि इन्हें समय पर राशन भी नहीं मिलता है, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल का जो घोषणा किया जा रहा है, अखबारों में आ रही है, कागज पर ही नहीं बड़े बड़े सभाओं में भी वोट बैंक बनाने के लिए बड़े बड़े नेता, अभी हाल में कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी रास्ते से गुजरे थे, पारू उच्च विद्यालय में एक बड़ी सभा, हजारों की सभा को संबोधित किए थे, और उसमें भी उन्होंने कहा था बड़े बड़े हाथ को दिखाते हुए 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं प्रत्येक महीना मिलता है ना। जनता ने भले वहां हाँ कह दी हो, लेकिन यहाँ बता रहे हैं सभी 5 किलो ले लेता है वो ये डीलर, देखिए क्या कहते हैं। उसमें से भी 5 किलो काट लेता है गरीब को कि हाँ 5 किलो आया है। तो आप लोग कहाँ से राशन उठाते हैं, कौन से डीलर के पास से? यही पर से, चौक पर से उठाते हैं। क्या नाम है डीलर का? वो अच्छे लाल डीलर हैं। अच्छे लाल डीलर हाँ। तो 5 किलो गेहूँ पिछले महीना मिला था आपको? हाँ, इसे तो 2 किलो देता है, 5 किलो नहीं देता है, 2 किलो का 2 किलो आता है, सरकार देगे तब न हम देंगे। ये दिखा रहे हैं, ये जीतन राम जी हैं, 1994 के जन्म तिथि, आधार संख्या इस पर स्पष्ट नजर आ रहा है, 51 74 0 6 33 77 22
और ये मुजफ्फरपुर सरैया थाना सरैया बासुचक गांव के मुकेश राम जी हैं। महादलित कहते हैं राम को और महादलितों के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन ये दिख रहा है कि कितना अंजाम उसका, कितना जमीनी हकीकत है, खुद से खुद बयान हो रहा है। ये लोग स्कूल भी नहीं जाते, ये बच्चे नहीं जाते हैं ये बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। आप किसी स्कूल को जाते हैं? नहीं, ये भी किसी स्कूल नहीं जाते। अब बताइए, महादलितों के कल्याण के लिए टोला सेवक बनाया गया था, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया था, यहाँ की आंगनवाड़ी केंद्र कहीं पर बच्चों को भेजते हैं, छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में कहीं नहीं भेजते हैं। ये जानते भी नहीं है कि कहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है और उसके लिए क्या योजना है। क्या बताइए कि आपके बेटियों की शादी होती है तो 5,000 रुपया या 10,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या हालात है? जब इनके पास जमीन ही नहीं तो आवास कहाँ, शौचालय कहाँ, पानी कहाँ, शिक्षा कहाँ, स्वच्छता कहाँ, पढ़ाई और दवाई नहीं। आप लोग बीमार होते हैं तो इलाज कहाँ करवाते हैं? हम लोग पैसा कौड़ी रहता है तो जाके कहूँ डॉक्टर ठिया इलाज करा लेते हैं। सरैया हॉस्पिटल होता नहीं है, वहाँ के माने प्रभारी लोग, यहाँ लोकल में कराता है सब इलाज बात। तो आप देखिए, एक तरफ माननीय डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जोर शोर से मिशन 60 की दावा करते हुए कहे कि सारी सुविधा गरीब लोगों के लिए है और यहाँ पर हमने पर्याप्त सुविधा करके सबको दवाई पहुँचा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल से मात्र 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी। यहाँ सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि सरैया अस्पताल में न डॉक्टर रहते हैं समय पर, न दवाई मिलती है, और जब भी थोड़ा बहुत पैसा ये लोग भिक्षाटन करके या कमा के मजदूरी करके लाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है और वहाँ सारे पैसों का शोषण कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ कहना है आपका, क्या? जी एकदम सत्य बात है सर, सत्य बात है। इन लोगों का यहाँ के विधि व्यवस्था जो मैंने स्वास्थ्य विभाग हो या कहे के प्रखंड लेवल के लोग हों, हर जगह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो ये पहले की सरकार में भी ऐसे ही थी या अभी की सरकार में ऐसा हुआ? मिला जुला करके दोनों के दस सर हम लोग देख रहे हैं, एक के है। यानी 10 साल से स्थिति सुधरी नहीं है, 20 साल से स्थिति सुधरी नहीं है, चाहे सरकार जदयू भाजपा की हो या महागठबंधन की सरकार हो, सरकार बदलती है, कुर्सी और लोग बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन गरीब की दशा नहीं बदलती है, नहीं सुधरती है, यही कहना चाहते हैं। जी जी सर, देखिए ये हार कपकपा रहा है, ओठ भी इसके कपकपा रहे हैं, ठंड लग रहा है इस बच्चा को। बाबू आपके पास स्वेटर है? नहीं है। कंबल है? आप लोग रात में कैसे ठंडा से बचाव करते हैं? साड़ी के तो गहरा है तो वह सब बाल बच्चा ओढ़ता है, गर्मी में भी वही साड़ी, जाड़े में भी वही साड़ी, और घर को बचाने के लिए शीतलहर से भी वही साड़ी, बच्चा जन्मने पर भी वही साड़ी, और मरने के बाद कफन देने के भी उहे साड़ी है। सरकार की योजना कहीं नहीं, अगर शादी विवाह भी होता है तो है। वही साड़ी, हाँ। हर एक खुशी के मौके पर तो उहे साड़ी, साड़ी है। ये देखिए कितना सुंदर पंडाल नुमा स्ट्रक्चर ये लोग बनाए, ये तो इनकी कलाकारी कहिए। कहीं से मांग चाक कर पुरानी साड़ी किसी दरबार से किसी गृहिणी से लाते हैं और उसी को पन्नी के सहारे साड़ी के सहारे सजा लेते हैं कि बारिश के दिनों में भी और इस तरह की जो शीत वृष्टि और वृष्टि बर्फबारी हो या हवाओं की तेज लहर चले उसमें भी अपने आप को कैसे बचाएंगे। आग लगने की भी संभावना हो सकती है, हताहत होने की संभावना हो सकती है, रात में ठंड से बचाने के लिए आग जलाया जाता है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को किसी अफसर को कोई कान में जू नहीं रेंगता। खबरें गर्म हो रही हैं, देर से हम आपको समय ले रहे हैं, लेकिन हमारी भी सर्दी बढ़ रही है इस ठंड की रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन अफसर कब जगेंगे? कंबलों का भरमार है, कागजों पर ठंड से बचने के लिए कंबले बांटी जा रही हैं, अखबार में फोटो भी छपते हैं माननीयों के, लेकिन इनके हालात में सुधार नहीं हो रही है जैसा ये लोग बता रहे हैं। अच्छा बताइए, ये झंडा कहाँ से आप लोगों के पास आ गया, कैसे लग गया ये? अरे यही झंडा है कि लोग जो नहीं आए हुए थे सरकार, वही जो झंडा उन का हुआ था तो उठा उठा के हम लोग इसमें रख दिए। तो आप लोग भारत सरकार को मानते हैं, भारत सरकार को
जानते हैं। हाँ। आप लोग भारतीय हैं। हाँ। एक बार बोलिए भारत माता की जय। जोश का ठिकाना नहीं है भारत माता का नाम सुनते। भारतीय होने के नाते आपको गर्व है, खुशी है आपको। भारत सरकार पर भी आपको बहुत विश्वास है। सही बात। यहाँ के कानून और अफसर पर भी विश्वास है कि आज नहीं तो कल हालत को सुधार करेंगे, लेकिन सुधार हो नहीं रहा है। यहाँ एक बुजुर्ग आ गए हैं, इनकी भी बात हम सुनते हैं। क्या अनुभव है और कितने दिनों से ये लोग हैं, अपना नाम बताइए। बहुत दिन से है, बहुत दिन से है, बहुत दिन से है। कितना, 10-20 साल से होंगे? लगभग 30 साल से है। 30 साल से और उससे भी अधिक से है। हाँ। ऐसे लोग जो हैं, इनका वोटर वोट भी गिरता है हर एक पांच। हाँ, वोट है इनका, वोट हो रहा है। एमएलए एमपी भी चुनते हैं। हाँ। मुखिया जी को भी चुनते हैं। हाँ, सब ये कौन सा वार्ड में आता है? 8 कई नंबर में है जी? एक नंबर वार्ड में आता है, एक नंबर में। लेकिन ये हालात एक नंबर नहीं है। एक नंबर वार्ड के लोगों का हालात एक नंबर कैसे बने? भारत नहीं, पूरे विश्व की एक नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी ये लोग दामन थाम लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई कब तक होगी? चुनाव के पहले इनकी दशा बदलेगी कि नहीं? सीओ साहब और विश्व की सबसे मजबूत पार्टी भारत सरकार की ये पार्टी भी इनकी मदद कर पाएगी कि नहीं? यहाँ के विधायक भी इसी दल के हैं, माननीय अशोक कुमार सिंह जी, ये भी कितना इनका मदद कर पाते हैं, आइए देखते हैं। हम खबरें चलाते रहेंगे आगे। आप अपना नाम? बहुत मदद करते हैं हम लोग, बताइए। मेरा नाम बिंदेश्वर पासवान है। बिंदेश्वर पासवान जी, आप लोग महादलित परिवार से आते हैं, दलित में से आते हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों का जो लाभ होना है आपके परिवार के लिए, सरकार ने आपके बिरादरी के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है, तो ये लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या कहना है? कुछ लाभ नहीं मिल रहा है लोग, कोई लाभ नहीं। सर कहे कि है, लेकिन कहे कि मतलब जितना मिलना चाहिए उतना कहे कि लाभ नहीं मिल रहा है। आप आंगनवाड़ी हैं, मास्टर हैं, शिक्षक हैं, क्या हैं? गृहिणी हैं, बताइए कुछ, अपना नाम बताइए। कहाँ घर है आपका? मणिकपुर। मणिकपुर घर है। ये लोग कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं और ये मुर्गी भी पालन कर रहे हैं, बकरी और भैंस और गाय सब इसी में, आदमी भी इसी में रह रहे हैं। इनके पास पखाना घर नहीं है, इनके पास जमीन नहीं, ये लोग बता रहे हैं। ये लोग क्या हालात है कुछ बताइए। इसको जमीन जकड़ा है तो करे होगा, ये लोग का जमीन नहीं होगा। तो ये तो दरबार का जमीन है ना? तो दरबार का है ना जमीन। किनका जमीन कहाँ है? किनका जमीन? ये लोग तो ये लोग कहाँ जमीन से? ये लोग जाने का जो 40 साल लड़ाई चल रहा है वो थोड़ा बक्सेगा, वो तो लेबे करेगा। उसको पूरा कागज पत्र है, उसका सारा सामान है। हाँ। सरकार से लड़ाई लड़ रहा है 40 साल से। हाँ। उस थोड़ा बक्सेगा, ये कहूँ लोग जाओ ओकर लोग भागे है। मीडिया वाला तक चाहे क्यों रहो, चाहे जज कलेक्टर आएगा, बाकी हम जवाब यह देगा। हाँ, क्या 40 साल से लड़ाई लड़ रहा है? 40 साल से लड़ाई लड़ रहा है। ये जिनकी जमीन है उनकी जमीन होगी। हाँ। फिर इन लोगों को सरकार ने कोई व्यवस्था किया या नहीं किया ये? तो सरकार सरकार समझेगा, सरकार सरकार समझेगा, सरकार समझेगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। ये भूमि स्वामी का ये जमीन है, लेकिन इनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं किया। नहीं किया है। हाँ, नहीं किया, नहीं किया। बताइए, जैसे लड़ रहा है वो जमीन थोड़ा छोड़ेगा, वो तो लड़ेगा हथियार से, हथियार मालिक से लड़ता, मालिक से कैसे लड़के सरकार से लड़ते बाटी। तो सरकार का जिम्मेदारी है कि नहीं कि इन लोगों को गुजर बसर करने के लिए कहीं बसाए? सरकार समझेगा, हम लोग तो नहीं समझेगा, सरकार ना समझेगा, ये लोग तो हम नहीं समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो इन लोगों का जो अधिकार है, इन लोगों का जो समस्या है, इसके लिए सरकार को संवेदनशील होकर के विचार करना चाहिए, क्योंकि ये वोटर हैं, ये इनका आधार कार्ड है, सब कुछ है। तो कुछ ना कुछ प्रखंड प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, विचार होना चाहिए। जी सर, हम क्या बोले, हम तो कहेंगे मतलब यही कहेंगे सरकार से, जो गरीब लोग हैं, विस्थापित हैं, या कहे के जो लोग मैंने भूमिहीन है, उन लोगों को जमीन कहे के मतलब दे करके इन लोगों को बसाने का काम किया जाए। और पत्रकार महोदय के बहुत बहुत मीडिया वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए, जो इस ठंड में भी कहे के मतलब आ करके गरीबों के बात पूरे देश में दुनिया में जो प्रचार और प्रसार करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पंचायत समिति महेश्वर पासवान की ओर से, मैं तहे दिल से, जो मीडिया के लोग, बिहार न्यूज के जो लोग हमारे गरीबों के दुख इस ठंड में जो आ करके समझे हैं, देखे हैं, बड़े बड़े लोग इस रास्ते से, नड्डा साहब भी गए, सारे के सारे लोग गए, लेकिन झांके नहीं
कि भाई इन लोगों का क्या समस्या है, लेकिन हमारे बिहार न्यूज की ओर से जो यहाँ आ करके गरीबों को जो समस्या के बारे में जो आवाज़ उठाए हैं उनके लिए सहृदय में स्वागत करते हुए धन्यवाद देंगे, जो कहे के मतलब ऐसा पत्रकार बंधु और मीडिया के लोग को मैं तहे तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। गाना के माध्यम से बताएंगे, लेकिन कहे के मतलब सर यही है जो भारत सरकार के विरुद्ध और कहे के बिहार सरकार के पक्ष के हम गाना गाना चाह रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप बता सकते हैं, आप बताएं, इसमें हमको कुछ कहना नहीं है। जी जी बताइए, भारत सरकार के लेकिन सर विरुद्ध में आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी आजादी है, आपको बोलना। जी जी, राम विलास चाचा के घरवा उजार कैला, राम विलास चाचा के घरवा उजार कैला, धैला बहरूपिया के भेष चाचा, कबहू न बनब नरेश ए चाचा, कबहू न बनब नरेश, अरे चाचा चाचा भतीजा में झगड़ा लगवल, माझी नीतीश जी के टारगेट बनावल, चाचा भतीजा में झगड़ा लगवल, माझी नीतीश जी के टारगेट बनावल, निषाद मुकेश निषाध के नाव के डूबल, मुकेश निषाध के नाव के डूबल, उनका के दिहल कलेश चाचा, कबहू न बनब नरेश ए चाचा, कबहू न बनब नरेश, पिछड़ा के ठगल अति पिछड़ा के ठगल, दलित महादलित के गला में छुरी तू लगावल, पिछड़ा के ठगल अति पिछड़ा के ठगल, दलित महादलित के गला में छुरी तू लगावल, हिंदू मुस्लिम के काट तू खेल के, हिंदू मुस्लिम के काट तू खेल के, अरे कैल बहरूपिया के भेष चाचा, कबहू न बनब नरेश ए चाचा, कबहू न बनब नरेश, डीजल पेट्रोल के दाम खूब बढ़वल, गैस सिलेंडर 1150 करवल, डीजल पेट्रोल के दाम खूब बढ़वल, गैस सिलेंडर 1150 करवल, गरीब के दासा तो लौकत नहीं खे, गरीब के दासा तोरे लौकत नहीं खे, अरे धैला बहरूपिया के भेष चाचा, कबहू न बनब नरेश ए चाचा, कबहू न बनब नरेश, राबड़ी जी के पुत्र बारे लालू जी के लाल हो, लालू जी के पुत्र बारे लालू जी के लाल हो, आई समैया एक दिन बनी है तोहके काल हो, लालू जी के पुत्र बारे राबड़ी जी के लाल हो, आई समैया एक दिन बनी है तोहरे काल हो, अरे हमनी गरीबवन के कोई ना पूछवैया, हमनी गरीबवन के दोनों कोई ना पूछवैया, अरे उहे बाटे हाल बरकरार ए चाचा, कबहू न बनब नरेश ए चाचा, कबहू न बनब नरेश, जय हिंद जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय बिहार के नारों के साथ, और कबहू न बनवा नरेश ए चाचा, कबहू न बनवा नरेश। चाचा आप किसको कह रहे हैं, नीतीश जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को कह रहे हैं? मोदी जी को नहीं कह रहे हैं, पारस जी को और मैं चिराग जी को बोल रहे हैं। अच्छा, चाचा भतीजा पारस जी और चिराग जी को बोल रहे हैं जी, और दोनों मिल करके फिर से चले जा रहे हैं जी जी जी, भारत सरकार के साथ मंत्री बनने के लिए। जी जी सर, एक और चाचा और भतीजा की जोड़ी जो केंद्र सरकार भारत सरकार में जा रही है, एक तो बिहार में चाचा भतीजा है, दोनों मिलके सरकार। हाँ जी 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 सर जी, तो ये अब स्पष्ट हो गया है हमारे दर्शकों को, बने रहिए अगले अपडेट तक, और फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी। यदि हमारी पत्रकारिता, हमारी वीडियो आपको पसंद हुई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी जी पर भी कोई गाना बना है तो जरूर सुनाए। मोदी जी पर जी बनाए है, अरे देशवा के कैलन निहाले भैया, देशवा के कैले निहाल, अरे गरीब सबके काम खातिर तत्पर उतरले
हमने के दारी बात का बतू न कैले हमने में गरीबन के चाउर आटा दिहले ऊ त खैले बार खूब के जवान ए बाबा कबहू न बानी है माँ।